News 18, India. पंजाब से आ रही है जहां किसान आंदोलन के दौरान हुई किसान की मौत पर पंजाब सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। पंजाब सरकार मृत किसान के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देगी। ये ऐलान पंजाब सरकार की तरफ से, भगवंत मान की सरकार की तरफ से कर दिया गया है। पंजाब के खरौनी बॉर्डर पर किसान की मौत का मामला है, ऐसे में आर्थिक मदद का मुआवजा देने का ऐलान पंजाब सरकार ने कर दिया है। यानी किसान के, जो मृतक किसान है उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा पंजाब सरकार की तरफ से। जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर है। जावेद, क्या जानकारी? देखिए पंकज, 2 दिन पहले भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था कि परिवार के साथ मान सरकार खड़ी है और सहायता देगी। और अभी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया है कि 1 करोड़ रुपए शुभकरण, जिसकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई है, उसके परिवार को दिए जाएंगे। साथ ही उसकी छोटी बहन है उसको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा ये अश्योर किया है कि इस पूरे मामले में जो लीगल एक्शन है वो भी पंजाब सरकार लेगी। तो लगातार जिस तरह से पंजाब सरकार किसानों के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है, इससे पहले भी जब 2 दिन पहले क्लैश हुआ था तो तब भी पंजाब सरकार ने आरोप हरियाणा पर लगाए थे कि उनकी वजह से ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। तो ऐसे में पंजाब सरकार ने नया ऐलान किया है। जी शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका जावेद। खबर बंगाल के संदेश खाली से है जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर ये है, बीजेपी की 7 महिला नेताओं की एक टीम संदेश खाली के लिए रवाना हो गई है। सांसद लॉकेट चटर्जी इसमें है और विधायक अग्निमित्रा पॉल है। इनके नेतृत्व में बीजेपी की टीम संदेश खाली जा रही है और वहां जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे बात करेगी, उनसे मुलाकात करेगी। महिला नेताओं की ये टीम है जिसमें बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी हैं, उनकी अगुवाई में ये महिलाओं की टीम जा रही है। इसमें अग्निमित्रा पॉल भी है। यानी आपको बता दें कि सांसद है लॉकेट चटर्जी और साथ ही साथ विधायक अग्निमित्रा पॉल, ये और इनके साथ और महिलाएं रवाना होंगी कुछ देर में ही संदेश खाली के लिए। यहाँ जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करने वाली हैं। मेरी सहयोगी आशिका सिंह हमें पल पल की जानकारी दे रही है इस खबर के बारे में भी। आशिका जरा बताएं, क्या रवाना हो गई ये टीम? पंकज, 9:30 बजे करीब यहाँ कोलकाता के साइंस सिटी के पास से इस टीम को निकलना था, लेकिन यहाँ की तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आगे जाने दिया जाएगा या नहीं। देखिए पुलिस फोर्स आपको भारी संख्या में नज़र आ रहा होगा और महिला पुलिस बल खास तौर पर उनको यहाँ पर बड़ी संख्या में लाया गया है। आगे की तस्वीर आपको दिखाएं जरा, ले चल। आशिका क्या समझे, यहीं रोक दिया जाएगा क्या? संभव है कि यहीं पर रोक दिया जाए और अगर यहाँ नहीं भी रोका जाता है, यहाँ से आगे जाने भी दिया जाता है पंकज, तो संदेश खाली जाने दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि धारा 144 कई इलाकों में, कई पॉकेट्स में लगाया हुआ है। ये देखिए ये तस्वीरें, बैरिकेड ये इस रास्ते पर पहले से तैयार किया गया है, गार्ड रेल्स लगाए गए हैं और जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ जा रही हैं ना, महिला पुलिस बल यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, जो भी गाड़ियां आ जा रही हैं उनको देख करके ही। आशिका जरा ये बताएं, अब तक क्या कुछ हुआ है? सुकांत